हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन शालू लबुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मटरी की रेसिपी दूंगी, जिसको मैंने सिक्का मटरी का नाम दिया है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही डिलीशियस छोटी छोटी मटरी है, जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। साथ ही टी टाइम स्नैक के लिए भी बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही खस्ता है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं नमकीन मटरी की रेसिपी। इसके लिए ये देखिए, मैंने लिया एक बड़ा सा बोल। इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 2 कप के करीब मैदा। तो ये देखिए, 2 कप मैदा मैंने ले लिया ग्राम्स में, ये लगभग 250 ग्राम है। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो देशी घी को मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब मैदा को और हमें ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें आपका मोइन परफेक्ट है या नहीं, ये जानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप थोड़ा सा मैदा ले लें हाथ में और इस तरह से मुट्ठी बनाएं। अगर ये आटा जुड़ जाता है, इसका मतलब हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है और इससे आप बहुत ही खस्ता मटरी बना सकते हैं। अब आइए, इस आटे में हम ऐड करते हैं पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, और बहुत ही कम पानी लगता है इस आटे को मारने में। और आप आटा मार लें, एकदम सख्त आटा हमें इसका लगाना है। अगर आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो मटरी बिल्कुल भी खस्ता कुरकुरी नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, और आटा एकदम सख्त लगाएं। ये देखिए, आप देख सकते हैं आटा हमने यहाँ पर लगाकर रेडी कर लिया है और काफी सख्त है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से नीट कर लिया है मैंने, और अब इसको हम रेस्ट करने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। उसके बाद में इसे हम बनाएंगे मटरी। तो ये देखिए, आटा हमारा रेस्ट हो चुका है। तो अब इसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन को हम इस तरह से हाथों में लेंगे, हल्का सा इसको गोल करेंगे, लोई की शेप देंगे, और उसके बाद में इसको हम इस तरह से वर्किंग सरफेस पे रखकर, ये देखिए, एजेस को हम इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लेयर्ड मटरी चाहिए काफ़ी। हमें अगर परतें चाहिए तो बहुत ज़्यादा चिकना आटे को ना करें। ये देखिए, इसको अब आप बेल लीजिए इस तरह से। तो जितनी मोटी या पतली आप मटरी रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसको बेल लीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा हल्का सा पतला ही रखा है। और ये देखिए, इसको अब हमें प्रिक करना है। इस तरह से आप प्रिक कर लीजिए, सभी तरफ से हमें इसे गोद लेना है। तो मैंने देखिए फोक से इसको गोद लिया है, ताकि ये फूले ना। जब इससे हम मटरी बनाएंगे और जब ये ऑयल में जाएगी तो ये पूड़ी की तरह फूले ना, इसलिए हमने इसको प्रिक किया है। ये देखिए, अब आप कोई भी ढक्कन ले लीजिए, और जितनी बड़ी भी आप मटरी बनाना चाहें, मैं यहाँ पर कॉइन मटरी यानी कि सिक्का मटरी बना रही हूँ, तो सिक्के के साइज़ का मैंने ढक्कन लिया है। आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, कोई भी दवाई का, मेडिसिन का ढक्कन, अच्छे से वॉश करके ले लें। और ये देखिए, इस तरह से कट कर लीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर, कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये जो ढक्कन है, इसके साइज़ पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी मटरी काटनी है, तो उतनी बड़ी आप मटरी काट लें। ये देखिए, सभी को हम इसी तरीके से कट करके रेडी कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फ्लावर है, उसको हम वापस से कलेक्ट करके और उससे हम वापस से लोई बनाएंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा फ्लावर मैंने गैदर कर लिया है। इसको वापस से आप लोई बना लीजिए, और वापस से इसको बेलकर हम फिर से इससे बना सकते हैं मटरी। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। और ये जो मटरी है, क्यूट सी मटरी, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी क्यूट सी सिक्का मटरी तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इनको तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है रिफाइंड ऑयल, और तेल को मैंने अच्छा गरम कर लिया है। और उसके बाद में जब ये तेल गरम हो जाएगा, तो डालने से पहले हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और तब इसको हम ऐड करेंगे तेल में। ये देखिए, इस तरह से आप ड्रॉप कर दीजिए। आँच अभी हमारी बिल्कुल स्लो है, और स्लो आँच पर ही इनको आप सिकने दें। जितनी धीमी आँच पर हमारी जो मटरी है सिकेंगी, तो उतनी ही ज़्यादा खस्ता करारी बनेंगी। एक बार में आप बहुत ज़्यादा मटरी ना डालें, जितना आपने ऑयल लिया है और जितनी बड़ी कढ़ाई है, उस हिसाब से आपको ऐड करना है। अगर एक बार में ज़्यादा मटरी आप डाल देंगे, तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, तो जो मटरी है अच्छी, उनका कलर नहीं आएगा, साथ ही अच्छी नहीं सिकेंगी। तो ये देखिए, सबको सेक लीजिए, हल्के हाथों से हमें चलाना है, और बीच बीच में इस तरह से आप इनको हिलाते रहें और अच्छा सा कलर आने तक सेक लीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी क्यूट लग रही है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, इनका कलर चेंज होने लगा है और ये सिकने पर आ गई हैं, आप देख सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको सिकने में। ये देखिए, और आप देख सकते हैं इनके अंदर काफ़ी लेयर्स हैं। ये देखिए, बहुत ही क्यूट हैं और काफ़ी फूल गई हैं तेल में जाने के बाद।
अभी ये बिल्कुल गुलाबी हो चुकी हैं, तो हल्का सा कलर हम इन्हें और देंगे और उसके बाद में इसको हम किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर पर या फिर प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मटरी हमारी सिककर तैयार है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से एक्सेस ऑयल को ड्रेन करते हुए आप प्लेट में निकाल लीजिए। और बहुत ही खस्ता मटरी हमारी बनी है, सिक्का मटरी बनकर रेडी हुई है, बहुत ही क्यूट है। नॉर्मली हम ट्रेडिशनली काफ़ी बड़ी सी मटरी बनाते हैं, और ये अगर आप बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो कभी कभी घर ऐसा हो जाता है कि हम खाना नहीं बना पाते हैं, बच्चों का टिफ़िन तैयार नहीं कर पाते हैं, तो हम कुछ भी ड्राई स्नैक रख देते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट से स्नैक है। इसको आप डिफरेंट शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर ढक्कन से इसको गोल काटा है। अगर आपके पास कुकी कटर्स हैं तो आप उससे किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। मल्टीपल शेप्स में आप इसको काट कर और उसके बाद में फ्राई करके इसी तरीके से और बच्चों के टिफिन में आप रख सकते हैं। तो ये देखिए दूसरे बैच को भी मैं इसी तरीके से फ्राई करके और रेडी कर लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ही आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करके बाकी की मटरियों को भी आप फ्राई करके रेडी कर लीजिए। और ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी मटरी सिक्का मटरी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसको बना सकते हैं अपने घर में, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरी है। आप इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया और बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है ये खाने में। आप इसको अपने घर में बनाइए। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छी नमकीन की रेसिपी है, आप मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।